पंजाब में सीएम कैंडिडेट का ऐलान और आलाकमान के दावों के बीच कांग्रेस के भीतर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी वो दौर भी आया जब नवजोत सिंह सिद्धू के आप में जाने की अटकलें लग रही थी। मुलाकातों के कई दौर के बाद वो कोशिशें क्यों परवान नहीं चढ़ सकी, इसका खुलासा भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को असुरक्षित बताया और कहा कि वह नहीं चाहते थे कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। उन्होंने कहा कि आप प्रचार कर दीजिएगा, हम आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे और उन्हें मंत्री बनाएंगे। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी नेता दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को उनके घर भेजा था, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला, मगर मेरी पत्नी ने उनसे मिलने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास है क्या, मैं राज्यसभा छोड़ के आया हूं। आपके पास राज्यसभा है? दुर्गेश पाठक और संजय सिंह के साथ बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल से भी मिले। वहां सिद्धू ने अपनी भूमिका के बारे में पूछा तो बताया गया कि आपको सिर्फ प्रचार करना है। मैं चार बार का सांसद उनके पास गया और कहा कि मैं पंजाब के लिए आया हूं, मगर वह चाहते थे कि मैं विधानसभा का चुनाव न लड़ूं। सिद्धू ने आगे कहा कि मैं सिस्टम में रहे बिना कैसे सिस्टम को बदल सकता हूं? बिना विधायक बने मैं कैसे माफिया सिस्टम को बदल सकता हूं? सिद्धू ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर ने कम से कम 70 बार मुझसे मुलाकात कर कांग्रेस से जुड़ने को कहा था। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर आशंकित थे और उन्हें लगा कि मेरे जुड़ने से वोटों का बड़ा हिस्सा स्विंग करने में मदद मिलेगी। नवजोत के अनुसार पीके ने कहा था कि कांग्रेस 30-35 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी, यदि आप आएंगे तो 7-8% वोट स्विंग होगा। वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी या आप के साथ कई सप्ताह की लंबी बातचीत के बाद सिद्धू जनवरी 2017 में आखिरकार कांग्रेस के हाथ के साथ जुड़ गए थे। सिद्धू ने कहा कि वह राहुल थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया और मैं आखिरी सांस तक गांधी परिवार के प्रति वफादार रहूंगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठेंगे, जल्दी वह कोई बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू जरूर कोई चाल चलेगा। कैप्टन ने चन्नी एवं सुखजिंदर सिंह रंधावा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। कैप्टन ने कहा कि इन दोनों ने ही कांग्रेस हाईकमान को अपने निजी स्वार्थों के लिए उनके खिलाफ गुमराह किया था। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने चन्नी को कांग्रेस में शामिल किया था और उनकी विधायक बनने में मदद की थी, पिछले चुनावों में रंधावा की जीत को सुनिश्चित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।